आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। भारत में खाद्य तेल की कीमतों में होली के बाद पिछले कुछ दिनों में थोड़ी नरमी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर बृहस्पतिवार से इसके दाम में तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत में खाद्य तेलों और विशेष रूप से पाम तेलों की कीमतों में फिर से वृद्धि होने की अभी संभावना है। पहले से ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। देश में पेट्रोल, डीजल, दूध, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में हालिया वृद्धि के बीच खाद्य तेल की और महंगाई लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। वहीं भारत खाद्य तेलों के मामले में दूसरे देशों यानी कि इम्पोर्ट पर निर्भर है। इंडोनेशिया में पाम तेल संकट से भारत में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। दुनिया में पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक इंडोनेशिया में ताड़ के तेल की कमी के साथ यह एक बहुत ही अलग तरह का संकट है। कमी इतनी अधिक है कि इंडोनेशियाई सरकार को कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कई कदम भी उठाने पड़े हैं। इसमें कुछ मूल्य नियंत्रण और निर्यात उपाय भी शामिल हैं। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने बताया कि मार्च 2021 में इंडोनेशिया में एक टन ब्रांडेड खाना तेल पकाने के लिए कीमत 14,000 इंडोनेशियाई रुपए थी। यह मार्च 2022 में बढ़कर 22,000 इंडोनेशियाई रुपए हो गई है। इस तरह देश में खाद्य तेलों का दाम एक साल में 57% बढ़ा है। 1 फरवरी को इंडोनेशियाई सरकार ने खुदरा मूल्य सीमा निर्धारित की है। वहीं स्थानीय स्तर पर कीमतों को नियंत्रित करने के अलावा सरकार ने निर्यातकों के लिए नियम कड़े किए हैं। सरकार ने निर्यातक के लिए अपने शिपमेंट का 20% घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य कर दिया है। बाद में एक सप्ताह भीतर इसमें परिवर्तन कर 150% घरेलू बाजार में बेचने की बाध्यता कायम भी कर दी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाम तेल की कमी को देखते हुए इंडोनेशिया सरकार इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। भारत अपना अधिकांश खाने वाला तेल इंडोनेशिया से आयात करता है। ऐसे में इंडोनेशिया में पाम तेल की कमी का असर जल्द ही घरेलू बाजार में महसूस किया जा सकता है। वहीं भारत अपने खाद्य तेल का 60% से अधिक अन्य देशों से आयात करता है। साथ ही कुल खाद्य तेलों में पाम तेल की हिस्सेदारी 60% है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।